ओके चलो बेटा टेस्ट चेक कराओ, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर का इकट्ठा जो आपने लिखा है, ठीक है। बच्चे सुबह से खेल रहे हैं। Children have been playing since morning. बिल्कुल ठीक है। उसके बाद सेकंड था, मेरे पिताजी एक घंटे से सो रहे होंगे। My father Will has sleeping for an hour. ये आपका गलत हो गया, ये आएगा माय फादर विल हैव बीन स्लीपिंग फॉर एन आवर, ठीक है। विल, हाँ आप ना सोच के बोलो, आपने लिखा है, देखो आपने लिखा है, आपने ठीक लिखा होगा तो आप बोलते टाइम आप कई बार कंफ्यूज हो जाता है बच्चा, इसीलिए मैं डबल टेस्ट लेती हूँ, एक रिटर्न और उसके बाद दोबारा सोच के बोलने का, ठीक है, फिर मार्क्स कट जाएंगे हाफ आपके। नेक्स्ट है, माता जी, ध्यान से सोचो कि उसके सेंटेंस के लास्ट में क्या है और कौन सा टेंस हमने लगाना है। माता जी सुबह से काम कर रहे थे, बोलो। My mother had working had been working since morning. बिल्कुल ठीक है। और next है fourth, मैं रोज 5 बजे ट्यूशन पे आता हूँ। I come to the tuition at 5 o'clock daily. Very good. सोच के बोलो, आपने लिखा सारा ठीक हुआ है, बोलने में थोड़ा सा कुछ कर रहे हो, कई बार गलती हो रही है, उसके मार्क्स कट जाएंगे, ध्यान से, टेक यू टाइम, ठीक है। नेक्स्ट है, शहबाज और गजल आज 6 बजे ट्यूशन आए। शहबाज एंड गजल हैव बीन कम टू द ट्यूशन एट 6 o'clock. ये था टेंस पास्ट इंडेफिनिट, आए आ ए पीछे लगा हुआ है, तो इसमें जस्ट सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी थी, आपका गलत हो गया। नेक्स्ट बोलो, राम 5:30 बजे ट्यूशन आएगा। राम विल कम टू द ट्यूशन एट 5:30. वेरी राइट, ठीक है, ये आपका। नेक्स्ट है, मैं ट्रांसलेशन लिख रहा हूँ। I am writing translation. बिल्कुल ठीक है। Next sentence था, मेरा भाई स्कूल जा रहा था। My brother was going to the school. Very right, ये भी ठीक है। और उसके बाद next था, guest Delhi से आ रहे होंगे। Guest will be coming from Delhi. Shall be coming from Delhi, ज्यादा है ना, ठीक है। तो ये आपने लिखा ठीक हुआ, पहले will लिखा था फिर shall, कर अपने आप कर दिया हुआ ठीक, लेकिन बोलने में देखो वो कई बार गलती हो जाती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, birds पिंजरे से उड़ चुके हैं, पक्षी पिंजरे से उड़ चुके हैं। The birds are चुके हैं। The birds have flown from the cage. हाँ, cage. ठीक है? Cage मतलब पिंजरा। The birds have flown from the cage. ठीक है जी? ये भी ठीक है। Then next cage. Cage. ठीक है? Next आ गया। साड़ा स्कूल क्रिकेट का मैच जीत चुका है। हमारा स्कूल क्रिकेट का मैच जीत चुका है। क्या आएगा इसका? Our school has won. ठीक है, तो ये दोनों मैंने आपको है वाली लिखा दिए, चुका है, यहाँ पे मैंने ना आपको चुका था बोला, हमारा स्कूल क्रिकेट का मैच जीत चुका था, अगर था होता आपका ठीक है के साथ, ठीक है आपने जो बोला, अगर था होता तो क्या होता, अभी बना दो, ध्यान से सोचो, हाँ हमारा स्कूल क्रिकेट का मैच जीत चुका था। Our school had won cricket match. Very right, had आएगा, ठीक है, तो आपने वहाँ पे भी लिखने में दो बार वही लिखा, पर आपको मैंने पूछ लिया आपको आता है। नेक्स्ट लास्ट था 12th सेंटेंस, मेरे ताया जी काम से वापस आ चुके होंगे। माय अंकल विल बी कम आ चुके होंगे, ठीक लिखा हुआ आपने, हाँ कंफ्यूज हो रहे, बोलो दोबारा। माय अंकल विल बी आ रहे होंगे, नहीं आ चुके होंगे, बोलो सर। माय अंकल विल हैव कम फ्रॉम जॉब। वेरी राइट, विल हैव
कम, यहाँ कम जो लगाया ये कौन सी फॉर्म लगाई है आपने? थर्ड फॉर्म। वेरी राइट, कम केम कम, थर्ड फॉर्म लगाई है, वेरी राइट। तो बिल्कुल ठीक है, तो आपके ऑलमोस्ट सारे ठीक है। एक गलत था आपका जो शहबाज, एक बार दोबारा सोच के बोलो, शायद ये भी आपका ठीक हो जाए, लेकिन लिखा आपने को तो ये था फिफ्थ। शहबाज और गजल आज 6 बजे ट्यूशन आए। पहले तो इसको पहचानो, ये है कौन सा? परफेक्ट। नो, परफेक्ट में तो चुका होता है, आ चुके हैं, आए, तो आपने इसको उसमें कन्वर्ट कर लिया ना, लेकिन आए, आए ई जो पीछे लगा होता है तो वो कौन सा होता है उसमें? वो पास्ट होता है ना, पास्ट, ठीक है ना, पास्ट, सिंपल पास्ट। हाँ बनाओ इसका। शहबाज एंड गजल हैड वर्क, कौन सी आनी है फॉर्म? सेकंड फॉर्म। आए की सेकंड फॉर्म क्या होगी? केम। हाँ तो बोलो फिर दोबारा बोलो, शहबाज एंड गजल। शहबाज एंड गजल केम एट 5:30, व्हाटएवर टाइम, 6 o'clock, 6 o'clock, एट 6 o'clock, ठीक है जी। तो अब देखो, सोच के बोलते हो तो ठीक बोलते हो, वेरी राइट। तो आपके एक गलत हुआ, 12 में से 11 है। और इनके आपने ये जो दूसरे भी लिखे हैं, नेगेटिव और इंटरोगेटिव, एक वो बता दो, नेगेटिव बनाओ इसका, मेरे माता जी, इसी का बना दो, माता जी सुबह से काम नहीं कर रहे थे। ध्यान से सोच के बोलो, गलत ना करना। माता जी सुबह से काम नहीं कर रहे थे। माय मदर माय मदर वाज नॉट, सुबह से कोई काम पुराने समय से हो रहा है, अभी भी हो रहा था। सोच के बोलते हो और बिना देखे बोल रहे हो, और बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, शाबाश। और लिखा भी ठीक हुआ थोड़ा सा वैसे ही, इसको आपने वो सुबह से जो काम पुराने समय से हो रहा है, अभी भी हो रहा था, तो फिर हैड बीन आएगा, ठीक है। तो एक वो बना दो, दूसरा सिंपल सा कि ये सर, हमारा स्कूल क्रिकेट का मैच जीत चुका था, या नहीं वाला तो बना लिया, अब क्या वाला बना लो, क्या आपका स्कूल क्रिकेट का मैच जीत चुका था, क्या आपका, अभी योर स्कूल, क्या आपका स्कूल, हैव योर स्कूल वॉन क्रिकेट मैच, चुका था, हैड योर स्कूल वॉन क्रिकेट मैच, वेरी राइट, हैड योर स्कूल वॉन क्रिकेट मैच, बिल्कुल ठीक है बेटी। तो थोड़ा सा आपको वही है कि जब आप लिखते हो तो आप सारा ठीक लिखते हो, ग्रुप तो मिल गया आपको, वेरी गुड, दैट्स ओके।